नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंह गुरुंग और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, अच्छा ही रहना है। तो आज है नवरात्रि का नौवां दिन, मतलब नौमी। और चिरमिरी में क्या है कि जगह जगह पे पंडाल बना होता है और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया जाता है यहाँ पे। तो लोग चिरमिरी के लोग और आसपास के गांव के लोग और आसपास मनेनगढ़ बैकुंठपुर के लोग चिरमिरी सिर्फ दुर्गा पूजा देखने आते हैं कि वहाँ पे साज सज्जा कैसी है, डेकोरेशन कैसी। इधर मेरी दीदी तैयार हो चुकी हैं, इधर मेरे पापा और मेरी वाइफ। क्या है, मेरी वाइफ थोड़ा तैयार व्यार हो गई है, तो थोड़ा सा इच्छा रहता है उसको फोटो वोटो खिंचाने का, क्या करेंगे लड़कियों का ये। इधर मेरा बेटा सोया हुआ है, इधर मेरी मम्मी। तो बस अब निकलने वाले हैं और मेरा तो अभी फिलहाल आए हुए हैं, हमारे पास में ही है बी टाइप गुदरीपारा का पंडाल और यहाँ का सजावट कुछ इस तरीके का, और डांस कॉम्पिटिशन भी चल रहा है और बहुत ज्यादा भीड़ भी है। इधर मेरे लल्ला का पहला दुर्गा पूजा है और ये घूम रहा है और देखिए कैसे जगा हुआ है। इधर कुछ ऐसा लाइटिंग वगैरह है, अब आप लोगों को दिखा नहीं जाता क्योंकि मैं फोर व्हीलर में हूँ। तो चलिए जैसा भी है आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं क्योंकि साल में एक बार ही आता है ये त्योहार। और इधर मेरी फैमिली है पूरी, इधर भोग खा रहे हैं। बंगाली पंडाल है गोदरीपारा बी टाइप का, काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। और अभी कल परसों यहाँ पे गरबा का आयोजन किया गया था जो कल ही खत्म हुआ, और आज लोगों का भीड़ देख सकते हैं आप लोग। तो अभी फिलहाल गाइज अभी एक अंकल को आप डांस करते हुए देख रहे होंगे, और उस डांस का नाम है धूपिया डांस, जिससे माता को प्रसन्न किया जाता है क्योंकि धूप से माता प्रसन्न होती है इसलिए। और एक अपने अंदर का क्या बोलते हैं, श्रद्धा भी होता है जो एक डांस के जरिए निकलता है। तो चलिए उस अंकल को देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। ये था राधा कृष्ण मंदिर गुदरीपारा, नीचे देखिए आप लोग ऐसा कुछ लाइटिंग है। तो देखिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है पूजा के टाइम में। और ये पतला से गली है देखिए आप लोग, तो गाइज राधा कृष्ण मंदिर जो है वहाँ का, जो आप लोग दुर्गा पंडाल देख ही लिए, अंकल जी कैसे डांस कर रहे थे काफी अच्छा लग रहा था, मनमोहक नृत्य था उनका। और उसके बाद आप लोग को लेके चलते हैं ओडिया उत्कल समाज के दुर्गा पंडाल में, तो चलिए वहाँ का काफी मनमोहक दृश्य होता है, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है वहाँ का हर साल। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो अभी आ गए हम लोग उत्कल समाज के पंडाल में, जिसको ओडिया स्कूल भी बोला जाता है, और यहाँ काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है डेकोरेशन का। तो आज हम लोग नवरात्रि घूमने आए हुए हैं, नौमी का दिन है, कुछ भी नहीं दे रहा, बस ये बोल रही है। तो गाइस चलिए चलते हैं ओल्ड गुदरीपारा के पंडाल में, जहाँ पे नौ देवियों का नौ रूप एक पंडाल के नीचे रखा गया है। कुमारी लड़कियां हैं जिन्हें नौ नौ अलग श्रृंगार में रखा गया है, नौ देवियों का रूप दिया गया है, और बच्चियां तो वैसे भी भगवान और माता का रूप होती है। तो चलिए चलते हैं, और ओल्ड गुदरीपारा के मेन पंडाल में हम लोग ज्यादा देर रुके नहीं क्या, क्योंकि काफी भीड़ था। तो चलते ही चलते वीडियो ली, और मेरी वाइफ का वॉइस तो उसमें है ही, तो चलिए चलते हैं। और महापौर मैडम भी बैठी हुई थी,
तो वो भी देख रही थी श्रद्धालुओं को आते जाते, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ये ओल्ड कोदरी पारा का 9 मंदिर का मूर्ति है, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पे 9 दुर्गा बैठे हुए हैं, 9 रूप माता के, और ये रियल के लड़कियाँ। तो अभी का खत्म हो गया, चलिए चलते हैं आगे की ओर। ओल्ड गोदरी पारा का ये एक और दुर्गा पंडाल है, ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे भी, और भीड़ होने के कारण हम यहाँ उतर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग मेन रोड में है और गाड़ी बहुत ज्यादा लगी हुई है इधर। तो फ्रेंड्स, हमारा शहर दुर्गा पूजा नवरात्रि के टाइम में सप्तमी अष्टमी नवमी को और दसवीं के दिन हमारा शहर एक मेट्रो सिटी बन जाता है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उस दिन। तो चलिए ट्रैफिक का ही मजा लीजिए और आजाद नगर के पंडाल और क्या बोलते एकता नगर के पंडाल में हम लोग रुके नहीं क्योंकि काफी भीड़ था और पानी भी गिर रहा था। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये आजाद नगर का, ये आजाद कॉलोनी का दुर्गा पंडाल है। ये देखिए यहाँ का डेकोरेशन बहुत पास से मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये देखिए भीड़, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी वाले सोच रहे कि मैं कैसे निकालूं, स्कूटी वाले सोच रहे कि मैं कैसे निकालूं, कौन पहले निकलता है। तो ये केदारनाथ मंदिर के तर्ज में बना हुआ है दुर्गा पंडाल, तो ये देख सकते हैं और मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ आपको। और ये गाड़ी की वजह से यहाँ डांस का प्रोग्राम भी हो रहा है। ये देखिए अपने कल्चर को फॉलो करते हुए। तो ये है बरदुंगा का पंडाल और काफी क्या बोलते हैं लोगों के जहन में रहता है क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा बनाते हैं, डेकोरेशन काफी अच्छा होता है। और इधर ये साईं मंदिर, इधर साईं मंदिर है, देखिए आओ उधर देखिए कितना अच्छा होता है, काफी अच्छा डेकोरेशन। तो यहाँ डांस का कार्यक्रम चल रहा है और ये बरदुंगा का पंडाल है, ऐसे ही हर जगह अट्रैक्शन बना हुआ था लोगों का। और ये पंडाल वाला एरिया देखिए काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का ये साईं मंदिर, चलिए माताओं के साथ साईं जी का भी दर्शन हो गया आप सभी को और यहाँ प्रसाद मिल रहा है। अभी नहीं, अभी कहाँ, देखिए दशहरा ग्राउंड है ये और सामने रावण बना हुआ है और विजयदशमी की तैयारी चल रही है और इधर मीना बाजार आया हुआ है और चिरमिरी का सबसे भव्य विजयदशमी और राम नवमी यहीं पे बनता है। और ये है गांधी ग्राउंड का दुर्गा माता का मंदिर और बहुत ज्यादा कीचड़ है इसलिए उधर जा नहीं सकते। और इस तरफ पूरा लगा हुआ है स्टॉल और काफी बड़ी ज्यादा भीड़ है। और ये एसएसएल ग्राउंड भी है अपना गांधी ग्राउंड जो काफी बहुत चर्चित है पूरे आसपास के एरिया में, पहले बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे यहाँ पे। तो ये देखो और उधर रावण, तो चलिए अब यहाँ चलते हैं आगे की ओर। उम्मीद है आप लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे। अंजय श्री के ले रहे हैं यहाँ पे गाड़ी और छोटा भाई बेच रहा है अपना खिलौने वगैरह जा रहा, सारे टॉयज वगैरह रखे हैं और ये छाट रहा, अभी डिसाइड नहीं कर पाया लेकिन काफी कॉस्टली है। इधर लगा हुआ है चाट वाट और देखिए की भीड़। तो अभी फिलहाल हम लोग आए हुए हैं डोसा खाने के लिए, तो ये आ गया मसाला डोसा और इधर पूरा स्टॉल लगा हुआ है।
और बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा क्राउड है। तो कैसा है टेस्ट? एवरेज है। हाँ खैर, भीड़ में तो ऐसे ही मिलता है। चलिए खाते हैं गाइस। फिलहाल अभी आइसक्रीम का लुत्फ उठाया जा रहा है और हम लोग बैठे हैं गांधी ग्राउंड पास। एक पार्किंग मिला हुआ है, एसके बेसन बोलते हैं, जहाँ पे कार्यालय है एसीसीएल का, मतलब एसीसीएल के क्या बोलते हैं संगठन जो वो होती है उनका कार्यालय है। तो चलिए आप लोग दिखाते हैं आइसक्रीम। इधर दीदी आइसक्रीम लेके आए, भाभी भी खा रहा है, मजा आ रहा है घूमने में ना, खूब इंजॉय कर रहे हैं। इधर रुबीना भी है, उधर मेरी वाइफ भी है, बाबू भी है, मम्मी भी डोसा खा रहे थे, पापा का थोड़ा तबीयत खराब है, तो ये बैठे हुए हैं पार्किंग के पास। गांधी ग्राउंड के पास नहीं मिला पार्किंग, थोड़ा दूर में हम लोग। तो चलिए एंजॉय करते हैं आइसक्रीम को, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस चलिए आप लोगों को ऐसे पंडाल में लेके चलता हूँ जो चिरमिरी का पहला पंडाल है और बंग समाज के द्वारा यहाँ पे दुर्गा पूजा, दुर्गा मूर्ति का स्थापना किया गया था लगभग आज से 60 साल 70 साल या 50 साल पहले, मुझे तो जानकारी नहीं है, हमारे बुजुर्ग और हमारे पापा लोग बताते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का। और चिरमिरी यहीं से ही एक महापर्व के रूप में उभरा चिरमिरी में, क्योंकि बंगाल में बोलते ही हैं कि दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव होता है, और वैसे ही चिरमिरी में भी सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा ही है, क्योंकि हर समाज हर धर्म के लोग दुर्गा पूजा को ही मेन त्योहार मानते हैं, और बाकी जगह दिवालियों में लोग नए नए कपड़े वगैरह खरीदते हैं, पर चिरमिरी में ऐसा है कि दुर्गा पूजा में ही लोग नए कपड़े खरीदते हैं और लोग घर से निकलते हैं बाहर सप्तमी के दिन से घूमना स्टार्ट करते हैं, और जो दशहरा तक चलता है और काफी भीड़ होता है, और हमारा शहर एक अलग रंग रूप में दिखता है और हर पंडाल में अलग अलग साज सजावट होते हैं। और उन सभी पंडाल वालों को मेरा सलाम रहेगा और उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि अभी कॉलरी भी बंद हो चुका है और लोग भी कम हो चुके हैं चिरमिरी में, फिर भी अपने मेहनत से अपने दम से दुर्गा पूजा मनाते हैं और लोग इसको भरपूर आनंद भी लेते हैं। तो हमारे लिए सारे पंडाल वाले मेहनत करते हैं और दुर्गा पूजा मनाते हैं ताकि यहाँ का परंपरा बराबर चलता रहे। तो बस हर पीढ़ी आती है और अपने ऊपर वाले की परंपरा को कंटिन्यू करती है, तो ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आप लोग भी लुप्त उठा रहे होंगे चिरमिरी के दुर्गा पूजा जो महापर्व होता है यहाँ का। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, हो सकता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे कम जानकारी होगी, फिर भी थोड़ा बहुत जो जानकारी था आप लोगों को बता रहा हूँ। कम से कम 60-70 साल तो हो ही गए उस पंडाल को जब से वहाँ मूर्ति बैठी हुई है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ का बंगाली पंडाल है छोटी बाजार का, तो यहाँ पे भी होता है माता का पूजा, तो अब आप लोगों को दिखा तो पा नहीं रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए लाइट लगा हुआ है, हम लोग दोनों हैंड सूट गया हुआ है, कितना पानी गिरा हुआ। अरे बंगाली पंडाल है तो ऐसा कुछ रहता है माहौल हमारे चिरमिरी के दशहरे का और नवरात्रि का, बहुत अच्छा माहौल रहता है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस दिन, इस समय को। सप्तमी अष्टमी नवमी ये 3 दिन ही होते हैं जो दुर्गा जी के पंडाल में लोग जाते हैं और घूमते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय करोगे हमारे साथ साथ। ये शंभू चौक छोटी बाजार का है, यहाँ पे दुर्गा माता बैठी है, वो देखिए हम लोग गाड़ी में ही हैं, हम दूर से ही दिखा पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। बंगाली पंडाल स्पेशल चल रहा है, बड़ी बाजार ये पंडाल है। तो चलिए यहाँ पे झांकी होगा, आप लोग को दिखाते हैं, ये झांकी है देखिए आप लोग। कुछ हो रहा है, देखिए देखिए देखिए, दोनों भाई ब्लैक व्हाइट पहने हैं, मेरे दोनों अनमोल रतन, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा वो दिल का। ये देखो कितना प्याला हाँची है भैया, पूरा घूम लिया दुर्गा पूजा अब अपने भैया के चांद है। पहली बार भव्य भी चिरमिरी का दुर्गा पूजा घुमा और मेरा बेटू भी दुर्गा पूजा घुमा ना भव्य, पहली बार मजा आया। लेकिन जो पपेट शो था वो अच्छा था। हाँ क्या शो था? पपेट तो नहीं था बेटा वो। तो गाइस चलिए इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ये नवरात्रि का ब्लॉग। और हमने कोशिश किया था पूरे पंडाल को एक्सप्लोर करें, लगभग यहाँ से यहाँ पे 30 या 36 पंडाल के आसपास है पूरे चिरमिरी में, पर पूरे चिरमिरी को घूम नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करेंगे।
क्योंकि पारिवारिक प्रॉब्लम भी था हमारे यहाँ, थोड़ा दिक्कत था, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया पंडालों को। नेक्स्ट जरूर ऐसा करेंगे और हर पंडाल का दृश्य दिखाएंगे आप लोग को। कोशिश करूंगा कि कुछ पंडाल के और भी फोटोज वगैरह मैं ऐड कर दूं इसमें। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जो चैनल पर है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी इसी तरीके और अच्छे अच्छे ब्लॉग में। तो बाय।